अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमने ये ATS यूज़ किया है सोलर पावर को स्विच करवाने के लिए। हमने दो इन्वर्टर लगाए हैं, एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर है और एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। तो इसमें जो ए सोर्स है ये इधर हम पावर देंगे इन दो पॉइंट्स पे, एक और दो। इन दो पॉइंट्स पे हम देंगे ऑन ग्रिड इन्वर्टर की पावर यानी वापडा की, और इन दो पॉइंट्स पे देंगे हम ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की पावर, आउटपुट की पावर। ठीक है जी, ए और बी इसमें दो सोर्स हैं, ए और बी। तो ए सोर्स पे हम दे रहे हैं वापडा और बी सोर्स पे दे रहे हैं हम ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। तो जैसे ही वापडा ऑफ होगी ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा सोलर पैनल्स को ऑफ ग्रिड इन्वर्टर पे, और वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर वर्क करेगा एज ए सोलर इन्वर्टर जब वापडा ऑफ होगी। तो चले हम अब आपको दिखाते हैं ये ATS वर्क कैसे करता है। तो अभी देखते हैं इसके कनेक्शन कैसे करने हैं और इसको वर्किंग कंडीशन में इसको कैसे लेके आना है हमने। जी तो व्यूअर्स, ये देखें हमने कनेक्शंस किए हुए हैं। जैसे ही हम वापडा ऑफ करेंगे तो ये इसका रेड स्विच नीचे आ जाएगा बी सोर्स पे, और सोलर पैनल्स की एक स्ट्रिंग शिफ्ट हो गई है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर। आप जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 396 वोल्ट और ये कनेक्ट हो गई है आपके ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ। और दूसरी चीज़ ये देखें, इसमें अभी ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड इन्वर्टर बंद हो गया, वापडा ऑफ है, जिसकी वजह से वो स्ट्रिंग शिफ्ट हो गई है आपके ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर। दूसरा, आप जैसे ही देखें सोर्स ए दोबारा ऑन होगी तो शिफ्ट हो जाएगा ये वापस ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर ऑफ ऑन हो गया जी, और ये स्ट्रिंग 12 पैनल्स की स्ट्रिंग जो है वो शिफ्ट हो गई है आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर, और ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से स्विच हो गई है सोलर स्ट्रिंग। तो इस तरह से ये ATS वर्क करता है जी। ए सोर्स पे हमने वापडा दी है और बी सोर्स पे हमने सोलर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की आउटपुट दी हुई है। अभी आप देख सकते हैं ये जनरेशन स्टार्ट हो गई है ऑन ग्रिड इन्वर्टर की, और जितने भी पैनल्स थे 12 पैनल की स्ट्रिंग थी वो शिफ्ट हो गई है आपकी ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर। तो ये था ATS को इंस्टॉल करने का तरीका। ये आप देख सकते हैं बहुत इजी है, आप ख़ुद भी कर सकते हैं इसके कनेक्शंस, और इसके कनेक्शंस की जो डायग्राम है वो हम आपसे शेयर करते हैं अभी इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से इसको हम इंस्टॉल करते हैं जी। ये आप देख सकते हैं इसके साथ 6 kW गैलेक्सी इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है, और जैसे ही वापडा ऑफ होती है तो इसकी 9 पैनल्स की स्ट्रिंग शिफ्ट हो जाती है इसके ऊपर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर, और जैसे ही वापडा ऑन होती है तो 12 पैनल्स की स्ट्रिंग शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर।